हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल मेम्ब्रेन, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके बारे में मैंने बताया था जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि सेल मेम्ब्रेन वह स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर के कंटेंट्स को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। ये क्या करती है, सेल को क्या करती है, बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करने का काम करती है। और ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि कई चीज़ों को अपने अंदर एंटर करती है, सेल के अंदर आने देती है, सेल में जो टॉक्सिक्स होते हैं या दूसरे पदार्थ होते हैं उसको बाहर जाने देती है। तो सबसे पहले जानें कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड की, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की, ये चारों चीज़ें इसको बनने में सहायक हैं। तो जो लिपिड की जो होती हैं टू लेयर्स होती है, यानी इसको बाइल लेयर कहते हैं, और फॉस्फोलिपिड की बाइल लेयर से ये अपनी सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पर दोनों ऊपर और नीचे इस तरह से ये बाइल लेयर है, इसमें प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन को हम हमेशा सेलेक्टिव मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कुछ ही पार्टिकल्स को, सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अपने अंदर एंटर होने देती है या फिर बाहर जाने देती है। तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, पॉलर पार्टिकल्स होते हैं, तो जैसे कि ड्रग्स हैं, मान लो कि उसकी साइज़ बहुत बड़ी है, ग्लूकोज है, तो जो बहुत ही बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिसको अपने प्रोटीन उसके अंदर नहीं ले सकता है, तो उसको अंदर जाने से रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है। तो इसलिए सेल के अंदर ओनली ऐसे मॉलिक्यूल्स, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे गैसेस हैं, वही एंटर कर सकती है और बाहर आ सकती है। इसीलिए इसको कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। अब है कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न क्या होता है और किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो आप सब जानते हैं कि अगर कंसंट्रेशन कहीं ज़्यादा है, जहाँ हायर कंसंट्रेशन होती है, वहाँ से चीज़ें, सब्सटेंस मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे कि सेल है, सेल के अंदर मान लो कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, ऑक्सीजन का लेवल कम है, और एनवायरनमेंट में बाहर की तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन जहाँ हायर कंसंट्रेशन है बाहर, तो वो मूव करेगी अंदर की तरफ बाय डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन सेल के अंदर मूव करेगी। मान लो कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल में से बाहर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मूव करेगी। इस तरह से डिफ्यूज़न जो होता है वो गैसेस में इस तरह से डिफ्यूज़न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है, ऑक्सीजन अंदर ली जाती है। इस तरह से गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का और दूसरे से गैसेस का क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में समझेंगे कि हमेशा जो डिफ्यूज़न होता है वो गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है एंड सॉलिड में भी हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, लिक्विड, यानी लिक्विड माध्यम होना चाहिए। जैसे कि ऑस्मोसिस होता है पानी के अंदर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का अंदर की तरफ जाना, सेल के अंदर बाहर निकलना, ये भी किसका रूल को फॉलो करता है, डिफ्यूज़न के रूल को फॉलो करता है। ऑस्मोसिस का याद रखेंगे, ऑस्मोसिस हमेशा पानी यानी कि लिक्विड वाटर में ही होता है। डिफ्यूज़न जो होता है वो तीनों चीज़ें में हो सकता है, जैसे गैसेस का भी बताया मैंने, सॉलिड का भी, जैसे कि दो सॉलिड साथ में रखे, मान लो कि सिल्वर और गोल्ड दोनों एक ही कांटेक्ट में रहे, कई साल तक कांटेक्ट में रहे, तो क्या होगा, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे में मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कई सारे आपने एग्जांपल देखे होंगे घर पे भी, जैसे कि टी बैग्स होते हैं, हम पानी में डालते हैं टी बैग्स को, तो उसकी जो टी होती है वो डिफ्यूज़ होकर के बाहर पानी में मिल जाती है, तो चाय बन जाती है। इस तरह से और भी कई, जैसे परफ्यूम की बॉटल आपने खोली, तो उसमें से परफ्यूम का जो स्मेल होती है वो पूरे घर में फैल जाती है, क्यों, क्योंकि वो डिफ्यूज़ हो रही गैसेस। इसी तरह सॉलिड में, लिक्विड में, सब में डिफ्यूज़न पाया जाता है, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ऑस्मोसिस में भी यही है। तो अब हम ऑस्मोसिस में जितने भी, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि जो जड़ें होती हैं पानी को सोखती हैं, ठीक है, तो जड़ें पानी को एब्जॉर्व करती हैं, लेती हैं, वो किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। जड़ों के अंदर जो रूट्स के जो हेयर होते हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है, पानी को अंदर लेती है। क्यों लेती है, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन
वाटर कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है सेल के अंदर, तो वो रूट हेयर जो होती हैं उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, ऑस्मोसिस कहलाता है। ये उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रूट हेयर का, पानी को एब्जॉर्ब करना। अब है कि अलग अलग सॉल्यूशन दिए गए हैं जैसे, तो उसमें किस तरह से ऑस्मोसिस होता है। जैसे एक है ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम हाइपोटोनिक कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब समझें कि जैसे कि कंसंट्रेशन ऐसा है कि वहाँ पर डाइल्यूट है, मतलब पानी की मात्रा, लिक्विड पानी की मात्रा ज़्यादा है। जैसे कि आपने किशमिश ले ली, ठीक है, ड्राइड ग्रेन्स ले ली, उसको आपने क्या किया, पानी के अंदर रखा, ओवरनाइट पानी के अंदर रखा, ठीक है। अब किशमिश जो होती है उसके अंदर पानी की मात्रा कम है, ठीक है, और बाहर जो आपने पानी रखा है उसमें वाटर कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा है। तो कहाँ मूव करेगा पानी, अंदर की तरफ। तो आप देखेंगे कि रात भर में वो किशमिश है, दूसरी कोई भी चीज़ है, तो वो कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी, क्योंकि पानी उसके अंदर गया। तो बाहर का सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ सेल के अंदर मूव करेगा। अब मान लो उसी किशमिश को आपने क्या किया कि शुगर का एकदम हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना दिया, शुगर का गाढ़ा सॉल्यूशन बना दिया, और उसमें आपने अंगूर को रख दिया या फूली हुई वही किशमिश को रख दिया, तो आप देखेंगे कि अगर उसको रखेंगे तो सारा पानी उसमें से मूव करके कहाँ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर क्यों निकलेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बाहर क्या हो रही है, कम हो रही है पानी की, ठीक है, और अंदर कंसंट्रेशन पानी की सेल के अंदर ज़्यादा है। तो आप देखेंगे अंगूर जो होगा वो क्या हो, कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने सारा वाटर जो है बाहर की तरफ भेज दिया, ठीक है। उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब जहाँ लोअर होती है वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, जहाँ वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, और जहाँ वाटर कंसंट्रेशन लोअर होती है सेल सेप की बजाय तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। एक होता है आइसोटोनिक, जहाँ पे दोनों ही सेम होते हैं, दोनों मीडियम सेम होते हैं, ना तो पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है ना अंदर ज़्यादा, दोनों में सेम है, उसको आइसोटोनिक बोलेंगे। और नो एक्सचेंज टेक प्लेस, कोई एक्सचेंज नहीं होगा। इस तरह से आपने देखा कि डिफ्यूज़न क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, किस तरह से मेम्ब्रेन के अंदर। आप ये भी ध्यान रखें कि डिफ्यूज़न के अंदर कोई भी जैसे मीडियम, जैसे कि कोई भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है कि भाई बीच में मेम्ब्रेन आ रही है और फिर डिफ्यूज़ हो रहा है कोई भी चीज़, नहीं। जबकि ऑस्मोसिस के अंदर ध्यान रखें कि उसमें कोई भी मेम्ब्रेन, बीच में कोई भी मेम्ब्रेन को होना ज़रूरी होता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, डिफ्यूज़न होता है तीनों चीज़ में, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ऑस्मोसिस होता है ओनली इन द लिक्विड, ठीक है। डिफ्यूज़न के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ऑस्मोसिस में कोई भी मेम्ब्रेन होना ज़रूरी होता है, बीच में दो मीडियम के बीच में एक कोई भी लेयर यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी होता है, तभी एक्सचेंज होगा। ये सब हो गया। अब आपको इन सब की अच्छी तरह से डिफरेंस याद होने चाहिए। और सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो एक तो ये है कि वो क्या करता है, दोनों एनवायरनमेंट को अलग करता है, सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर और बाहर जाने देता है, और प्रोटेक्ट करता है सेल। थैंक यू।